राजस्थान के 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों का बिगुल बज चुका है। हमारे साथ रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल साथ है, जो आज बिदासर तहसील की सांडवा कस्बे में आज आम सभा को संबोधित करने आए। हम कुछ उनसे बातचीत करेंगे। सर, सर्वप्रथम तो सांडवा ग्राम में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या स्थिति लग रही है? आप धुआं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भारी वोटों से सुजानगढ़ के अंदर चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई है। कांग्रेस और आरएलपी मुकाबला, आरएलपी आज बढ़त के अंदर, आने वाले 2 दिन के अंदर आरएलपी भारी बढ़त सुजानगढ़ के अंदर बनाएगी और साढ़ा भी हम जीत रहे हैं और राजसमंद के अंदर त्रिकोण संघर्ष। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान शिक्षा मंत्री, जिन्होंने एक बयान दिया और शिक्षकों का अपमान करते हुए कहा कि ये कोई नाती का बाड़ा नहीं है, क्या कहना चाहेंगे कि शिक्षकों का जहां अपमान हो रहा है वो भी शिक्षा मंत्री के द्वारा? शिक्षा मंत्री के द्वारा शिक्षकों का अपमान की मैं निंदा करता हूँ। जो एक नए राष्ट्र का निर्माण करते हैं उन शिक्षकों का अपमान उनको नहीं करना चाहिए। और मैंने गूगल पे सर्च किया, नाती का बाड़ा मुझे उसमें कहीं मिल नहीं रहा है। तो मैं डोटासा जी को पूछना चाहता हूँ कि नाती का बाड़ा कहाँ, बता भी दें ताकि बच्चे हमें भी पूछें भाई नाती का बाड़ा कहाँ। मान लो ये तो जीके जनरल नॉलेज का सवाल है। तो इस तरह का अपमान करके इस तरह की बातें शिक्षा मंत्री को शोभा नहीं देती कि यहाँ का नाती का बाड़ा नहीं और आपको बंद करा दूंगा पूरी, ऐसी कोई बातें कही तो ये अनर्गल है। और उनके अलावा भी कांग्रेस के कई नेताओं के धमकियाँ बार बार, यहाँ कि नरेगा में नाम कटवा देंगे, तुम्हारी ट्रांसफर करा देंगे, ढाई मुकदमे दर्ज कर देंगे, इस तरह कांग्रेस डरा धमका के वोट लेना चाहती, ये दादागिरी कांग्रेस की यहाँ पर नहीं चलेगी। और भीलवाड़ा के अंदर जिस तरह पुलिस को पुलिस पे सरेआम गोलियां चलाई गई, 2 पुलिस के जवान शहीद हुए, पूरी सरकार वहाँ थी और गुंडागर्दी और जंगल राज मैंने भीलवाड़ा के अंदर देखा। ये पूरा राजस्थान जंगल राज बन गया है, राजस्थान के अंदर जंगल राज है, कानून का कोई राज नहीं, थानों में बलात्कार हो रहे हैं, अपराध में राजस्थान 1 नंबर पर चला गया। ये यहाँ मंत्री घूम रहे हैं, इनको तो ये पूछो कि आप कानून व्यवस्था को कैसे ठीक करोगे? अभी कानून व्यवस्था ठीक नहीं राजस्थान। बिल्कुल, आप नागौर से सांसद है और आप पहली बार चूरू जिले में इतना भ्रमण कर रहे हो, गाँव गाँव में क्या समस्या देखते हो कि चूरू किस तरह पिछड़ा हुआ है? चूरू तो बहुत पिछड़ा हुआ है, चूरू राजनीतिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है और चूरू हर जगह सड़क, स्कूल, पानी, बिजली, यहाँ तो सुजानगढ़ में तो कुछ सड़कें भी उपचुनाव की वजह से इन्होंने बनाई है, कुछ जगह डामरीकरण हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये अगर जीत गए तो ये आगे भी नहीं कराएंगे और हार गए तो ये काम बंद करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम काम कराएंगे, हम काम कराना जानते हैं। पीने का पानी, सड़क, स्कूल, बिजली यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं सुजानगढ़ के, और रोजगार इसके अंदर हम सुजानगढ़ को जिला बनाने की जहाँ तक बात है, एक बार सबसे लोगों से बैठ के बात करें, सुजानगढ़ जिला बनना चाहिए, सुजानगढ़ जिले बनने की बात करें। एक और ये जो राजस्थान की राजनीति है उसमें चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये बाड़े के पीछे पड़ी है। अभी राजेंद्र राठौर ने भी कहा कि खाला का बाड़ा तोड़ी है, इसमें क्या है? देखिए राठौर साहब गलत बोले, खाला का बाड़ा मतलब एक तरीके से मुसलमानों का अपमान करना ठीक नहीं है उनकी तरफ से। किसी को भी हक नहीं है कि किसी संप्रदाय और किसी जाति का अपमान करे। नेता अपनी जाति के विकास की बात करे, पर्दे के पीछे अपनी जाति की मदद करे, कौन मना करता? कौन सब जानते हैं कि कौन किसकी मदद करता। हमारे जैसे लोग तो कम हैं जो खुली बात भी करते हैं और हर आदमी को खुले में सुनकर हर आदमी की मदद भी करते हैं। लेकिन राजेंद्र राठौड़ का ये बयान भी, इसकी भी मैं निंदा करता हूं कि उन्होंने खाला का बाड़ा कहके मुसलमानों का अपमान किया और डोटासरा ने टीचर्स को नाती का बाड़ा कहके और इस तरह गुरुजनों का अपमान किया। और निश्चित रूप से दोनों ही नेताओं के फ्रस्ट्रेशन झलक रहा है, हार रहे हैं दोनों, इसलिए इस तरह के गलत बयानबाजी कर रहे हैं। कटारिया जी ने महाराणा प्रताप के बारे में गलत बोल के इस तरह की हरकत की। कल किसान रैली में किसानों को पीट के बीजेपी ने सारी हदें लांग। हनुमान बेनीवाल हर जगह आंदोलन के लिए तैयार होता है, हर मंच पे तैयार होता है, क्या कारण है कि हनुमान बेनीवाल पर जातिवाद का आरोप अभी भी लग रहा है? और हनुमान बेनीवाल ने जातिवाद को आरोप को हटाने के लिए अपने विधायक भी अन्य जातियों से भी बनाए हैं, तो क्या कारण रहे? और लोकसभा के अंदर अन्य जातियों के एमपी भी बनाए, जोधपुर के अंदर भी हनुमान बेनीवाल ही था कि गजेंद्र सिंह शेखावत को लोकसभा के अंदर भिजवाया जीता के, नहीं तो अशोक गहलोत का बेटा नहीं हारता, आपको पता था। अभी आपने एक बात कही, इस बोतल में भूत और भूतनी को बंद करूंगा, तो भूत और भूतनी कौन है? गहलोत, वसुंधरा और कांग्रेस और बीजेपी। गहलोत वसुंधरा कांग्रेस और बीजेपी, अच्छा वो भूत और भूतनी है। अब आप एक आपसे अंतिम सवाल तो आप जानते हो कि पश्चिम बंगाल में मोदी जी भी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं और कोरोना ने लाखों लोगों के प्राण मतलब विश्व में लिए हैं, आप क्या कहना चाहते हो? कोरोना आपने भी एक मन से कहा था कि मेरी झूठी रिपोर्ट बना के दे दी, सेकंड दी थी झूठी। पहले मोदी जी कोरोना से जो मान लो मोदी जी का बंगाल ऐसा है कि मोदी जी अगर सजग रहते और पहला मरीज जब आया था बाहर से
ये आपके केरल के अंदर चिन्हित हुआ पहला मरीज, तब अगर उसके बाद इंटरनेशनल जितने भी अपने एयरपोर्ट है और इंटरनेशनल जो फ्लाइट आती है अगर वहीं लोगों को क्वारंटाइन कर देते और वहाँ जांच की व्यवस्था करते तो हिंदुस्तान में कोरोना फैलता ही नहीं। कोरोना फैला हिंदुस्तान की सरकार की नेग्लिजेंसी से और ये मौतें उनकी नेग्लिजेंसी। अब कितने बड़े बड़े कितने भाषण देते, कितनी वैक्सीन ले आए, 5 लाख लोग जो मरे इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है और कोरोना फैलाने में इनकी भूमिका रही। गहलोत ने भी यहाँ कोरोना ही फैलाया, बातें ही करी खाली, भीलवाड़ा मॉडल, भीलवाड़ा कौन सा भीलवाड़ा मॉडल बताओ मुझे, भीलवाड़ा में कितने लोगों की जान चली गई और राजस्थान में कितने लोगों की जाने चली गई। अब यार जनता के बीच भ्रामक प्रचार करके आप करोगे हमने ठीक कर दिया, ठीक तो जब होता है जब कोरोना को वहाँ का वहाँ रोक देते, कोरोना तब भी फैल रहा है। पहली बार भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता मतलब गाँव की गलियों में घूम रहे हैं, क्या वो मेरी वजह से RLP इसकी वजह माना जाए? मैंने गली गली घुमा दिया और अगर RLP सुजानगढ़ के अंदर, अगर RLP सुजानगढ़ के जीत गई तो कांग्रेस भाजपा के दर्जनों नेता RLP ज्वाइन भी कर लेंगे। सुजानगढ़ से आपके प्रत्याशी सीताराम नाइक है, पुष्पाराम गोदाना ने इसी मंच पे जिस मंच पे आपने भाषण दिया उस पे ये कहा कि ये सीताराम तो भारी प्रत्याशी है, इसको चुनाव कैसे आप वोट कैसे दे सकते हो, क्या कहना चाहोगे? पुष्पाराम जी रतनगढ़ में भारी थे ना पिछली बार, इनका गाँव तो सुजानगढ़ के अंदर है। लेकिन एक बात है, पुष्पाराम जी ने आपके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखा भाषण में, उन्होंने कहा अगर हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़े तो वोट दे देना यहाँ से। अच्छा तो ठीक है, तो अच्छा लग रहा है सॉफ्ट, मेरा भी उनके प्रति तो अभी कौन सा वो लड़ रहे हैं चुनाव, मैंने सॉफ्ट रखा था ना 18 में उनके प्रति। तो अब आगे जो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं क्या उधर, ये आगे तो सब कांग्रेस छोड़ के RLP में आएंगे सारे के सारे। हर प्रकार की अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।